भगवान को साधुवाद दो, रोज 1 लाख लोग मरते हैं पर उसमें आपका नंबर नहीं आता है ना। हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो सुबह रोज कि दुनिया में रोज 1 लाख लोग मर रहे हैं, इससे बढ़कर ईश्वर की कृपा आप पर क्या हो सकती है कि वो रोज 1 लाख लोगों को मारता है पर आपका नंबर उसमें नहीं आता है। इसलिए जब भी हाथ जोड़ो ना, प्रार्थना करो ना, सुबह आंख खोले ना, मंदिर जाओ ना, ईश्वर के प्रति अर्चना अपनी समर्पित करो ना, तो पहला काम करना, जैसी सास मिली ठीक यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसी बहू मिली ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। दुनिया में तो लोग नाकोड़ा भैरू जी के यहां जाकर के 1001 का प्रसाद बोल रहे हैं, भगवान एक बहू मिल जाए तो 1001 रुपए चढ़ाऊंगी, तुम्हें बिना प्रसाद मिल गई अब विषाद क्यों कर रहे हो। जैसी मिली जिंदगी में जो व्यवस्था मिली, पर रोज सुबह उठकर उसके प्रति साधुवाद व्यक्त करो, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तूने बहुत दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है, आज रात को 1 लाख लोगों को उठाया है, पर अपना नंबर नहीं आया है ना। साधुवाद के काबिल बात, भगवान के प्रति शुक्राना करने की बात है ना, थैंक यू कहने की बात है ना, अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने की बात है ना। जिंदगी है भाई, इस खुशहाली से जीते हो इसको तो निर्णय आपको करना है, बदहाली में जीते हो इसको निर्णय आपको करना है, आनंद में जीते हो इसको निर्णय आपको करना है, हतोत्साहित होकर जीते हो इसको, अवसाद में जीते हो निर्णय आपको करना है, उमंग से जीते हो तो आपका निर्णय है, और भारभूत मानकर जीते हो तो आपका निर्णय है। जिंदगी जीनी है उतने वक्त तक जितने आप लिखा के लाए हैं, पर जिंदगी का आप किस तरह से कितने माधुर्य से आप जी सकते हैं। आनंद भरी 10 साल की जिंदगी बहुत है, अवसाद और घुटन भरी 100 साल की जिंदगी से, तनाव चिंता और घुटन से भरी हुई 100 साल की जिंदगी से 10 साल की आनंद की जिंदगी बहुत है। जिंदगी की दो स्वरूप हम दे सकते हैं, चाहे तो अपनी जिंदगी को गॉड बना सकते हैं। गॉड की स्पेलिंग क्या होती है, जी ओ, क्या होती है गॉड की स्पेलिंग, जी ओ डी। एक बार पलट के बोलिए तो कुछ फर्क है अर्थ में, कोई फर्क है आप बताएंगे बहन क्या फर्क है, जी ओ डी पलट के बोलिए, जिंदगी में क्या फर्क है। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को जी ओ डी बनाते हैं या डी ओ जी बनाते हैं, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी को गॉड बना सकते हैं, डॉग भरी जिंदगी तो अपन जी ही रहे हैं, उसमें अभी अपन कोई पीछे नहीं है। निर्णय अपन को करना है कि हम अपनी जिंदगी को कितना मिठास से, कितना माधुर्य से, कितना आनंद से, कितना उमंग से, कितना उल्लास से, कितना मिठास से जी सकते हैं। रोज रोज मिठाई नहीं खा जा सकती है ना, रोज रोज मिठाई नहीं खाई जा सकती, और रोज रोज मिठाई खाओगे तो शुगर की बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, मिठाई रोज खाओगे तो शुगर की बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, पर जिंदगी को ही मीठा बना लो तो शुगर की बीमारी को भी मिटा बैठोगे। अपनी जिंदगी को मीठी मधुर बना लो, अपनी जबान को मीठा बना लो, अपने स्वभाव को मीठा बना लो, अपने व्यवहार को मीठा बना लो, अपने बोलचाल को मीठा बना लो, अपने बर्ताव को मीठा बना लो, तो जहां जाओगे वहीं पर लोगों के दिलों में राज करोगे। आदमी के पास दो विकल्प होते हैं, या तो आदमी जब भी किसी से बोलता है, जब भी किसी के पास रहता है, वो दो में से एक काम जरूर करता है। हम यहां पर आए हैं 4 महीने के लिए, दो में से एक काम करके जाएंगे, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दो में से एक काम करके जाएंगे। पहला काम होगा या तो हम आपके दिल में उतर जाएंगे, और दूसरा काम होगा या फिर हम आपके दिल से उतर जाएंगे, दो में से एक काम जरूर होगा। ये इंसान के हाथ में है कि वो जिन लोगों के बीच रहता है, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मां बाप के साथ, अपने परिजनों के साथ, जिनके साथ वो रहता है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी जिंदगी को उनके साथ रहते हुए किसी के दिल में उतरता है या किसी के दिल से उतरता है। फैसला आपको करना है। मैं जो आज कुछ बातें कह रहा हूं वो बातें किसी के दिल से उतरने की नहीं होगी, वो बातें किसी के दिल में उतरने की होगी। अगर आप अपनी जिंदगी को मीठा मीठा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को मिठास से भरना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में माधुर्य घोलना चाहते हैं, तो पहला काम कीजिए। मैं 5 सूत्र आपको अपने जीवन के लिए दे रहा हूं, उस जीवन के सूत्रों में पहला सूत्र दे रहा हूं, और वो ये है
अगर आप चाहते हैं आप सबको पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के दिलों में राज करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बड़ी मिठास से भरी हुई हो, लोग बोले कि यार इस आदमी के पास रहने का आनंद ही कुछ अलग आता है, तो मैं पहला सूत्र अपनी ओर से आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, और वो पहला सूत्र है अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बना लीजिए। पहला काम अगर आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में तो पहला काम कीजिए, अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बना लीजिए। मेरी बात जीवन भर याद रखिएगा, दुनिया में वो ही लोग दूसरों के दिलों में राज किया करते हैं जिनका स्वभाव और व्यवहार सरल हुआ करता है। टेढ़े स्वभाव का व्यक्ति घरवाली को भी पसंद नहीं आता। टेढ़े स्वभाव का व्यक्ति, आप में ऐसी कोई महिला है जिसके पति को गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करो तो। ऐसी कौन कौन सी महिला जिसके पति को गुस्सा आता है? ये सब यहां पर देव मूर्तियां बैठी है तो सत्संग करने का मतलब ही क्या है फिर? है सब भगवान बैठे हैं यहां पर। कौन महिला है जिसके पति को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो, घबराओ मत। और जिसका पति यहां ना हो वो तो आराम से हाथ खड़ा कर सकती है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर मैं आपको खड़ा करूं तो खड़े हो जाएंगे? खड़े नहीं होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लगभग दो चार महिलाएं हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि उनके पति को गुस्सा आता है, पर मैं समझता हूं बाकी जो बैठे ना उनके पति भी दूध के धुले तो नहीं है, गुस्सा उनके पति को भी आता है। हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके पतियों को गुस्सा थोड़ा कम आता है, तो उनमें हिम्मत थी हाथ खड़ा करने की, बाकी के पतियों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उनके हाथ खड़ा करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, इतने गुस्सेल हैं इनके पति लोग। अच्छा, अगर आपके पति को गुस्सा आता है तो क्या आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। और अगर आपके पति कहते हैं कि मैं हाथीपुल जा रहा हूं कोई काम से, दो घंटे में वापस आ जाऊंगा, तो आप मन में क्या सोचते हैं? ईमानदारी से बताइए क्या सोचते हैं? आप बताओ, घबराओ मत बहन जी, खड़े हो जाओ। क्या सोचते हैं आप मन में? किसी महिला का पति अगर गुस्सेल है और वो कहता है मैं दो घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, तो पत्नी क्या सोचती है? हैं? आराम से जाओ। इतना ही नहीं सोचती, वो कहती है दो घंटा नहीं छह घंटा में आना, तुम जितने बाहर रहोगे घर में उतनी शांति। गुस्सेल आदमी का पति, गुस्सेल महिला का पति हमेशा घर के बाहर पसंद किया जाता है, पर प्रेम से जीने वाली महिला का पति, महिला हमेशा चाहती है कि मेरा पति मेरे घर में रहे। मेरे भाई, यही तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने स्वभाव को न हम सरल बना पाते हैं न ये लोग सरल बना पाते हैं। और जब तक स्वभाव में मिठास न हो, एक आदमी को अपनी पड़ोसन बहुत अच्छी लगती थी, वो रोज सोचता मेरी पड़ोसन बहुत सीधी है, पता नहीं मेरे कर्म फूटे मेरी पत्नी ऐसी मिली। हमेशा वो ये सोचता मेरे कर्म फूटे मेरी पत्नी ऐसी मिली है, पर मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी है, मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी है, मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी है। एक दिन वो पड़ोसी घर के बाहर ही खड़ा था, उसने कहा भाई साहब आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी तो ऐसी ऐसी है, पर आपकी पत्नी बहुत सीधी है। उसने कहा सात दिन साथ में रह के देख ले, पता लग जाएगा कैसी है। सात दिन साथ में रह के देख ले तो पता लग जाएगा कैसी है। तो सब एक जैसे ही है कपड़ों के भीतर, सब एक जैसे हैं। तो मेरे भाई, अगर इंसान अपने जीवन में पहला काम कर सके तो पहला काम है अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बना लो। सरल स्वभाव का व्यक्ति भगवान के यहां भी सम्मानपूर्ण जगह पाता है, जहां जाता है। गुस्सेल आदमी को सब लोग दब के तो रहते हैं पर पीठ पीछे उसकी बड़ी आलोचना करते हैं। सरल स्वभाव का, अरे वही बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर जितना मैंने धर्म के शास्त्रों को पढ़ा है, मेरी नजर में जिसका स्वभाव सरल है वो व्यक्ति और कुछ पाए या ना पाए पर वो नरक में कभी नहीं जाता है। जिसका स्वभाव सरल है, जिसका स्वभाव ऋजु है, जो सरल स्वभाव का व्यक्ति है, सॉफ्ट स्वभाव का व्यक्ति है, वो इंसान कभी नरक में नहीं जाता, उसका मन ही हमेशा निर्मल और पवित्र रहता है। देखो भाई, चेहरे का रंग ईश्वर देता है, पर हमारे जीवन जीने का ढंग हमारा अपना होता है। आप में कोई एक काला है, कोई एक गोरा है, कोई एक काला है, कोई एक गहरा गोरा है, तो गोरे आदमी की कोई खासियत नहीं है कि वो बहुत गोरा है, और काले आदमी कोई कमी है क्या कि वो काला है? ये दो महानुभाव पास पास में बैठे हैं, एक गोरा है एक काला है, दोनों चश्मे पहने हुए खड़े हुए, तो आपको ही कह रहा हूं जो आप एक दूसरे को देख रहे हैं। आप दोनों में बता दें आप में गोरा कौन है और सांवड़ा कौन है? इधर वाले गोरे हैं, इधर वाले सामने। चलिए एक बात पूछते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए तो प्रभु जी। हाँ, घबराइए मत, महाराज नहीं बनाने वाला हूं। अच्छा, जरा बताइए कि ये जो इधर वाले भाई साहब हैं ये गोरे हैं, पर फर्क है, गोरे वाले भाई साहब के बाल काले हैं, काले वाले भाई साहब के बाल गोरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और काले वाले गोरे वाले भाई साहब के बाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो लग रही है मुझे, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा बताइए कि ये जो भाई साहब गोरे हैं तो इनके गोरेपन में इनकी कोई खासियत है क्या? कोई खासियत है इनकी? या तो इनकी मम्मी गोरी या इनके पापा गोरे, सो ये गोरे हो गए। क्यों जी ठीक है, और भी कोई गोरा है क्या? देखो कोई गोरा, कोई गोरा हो तो अपने आप उठ के आ जाओ। अगर कोई गोरा है तो उसमें उसकी कोई खासियत नहीं है, या तो उसके मां गोरी या उसके पापा गोरे तो वो गोरे हो गई। और अगर कोई सांवला है तो कोई खास बात थोड़ी है, या तो उसकी मम्मी सांवली या पापा सांवले तो वो सांवले हो गए। रंग जीवन में हमारा नहीं होता, ये मां बाप और ईश्वर का दिया होता है। इसलिए रंग को सुधार कर इंसान दुनिया में महान नहीं बन सकता, पर दुनिया में इंसान अगर महान बनना चाहता है तो रंग को सुधार कर नहीं पर अपने जीवन की जीने के ढंग को सुधार कर इंसान दुनिया में महान जरूर बन सकता है। ये तो मुझे भी पता था जब मैं पैदा हुआ और जब जब आईने में अपना चेहरा देखता कि मैं काला हूं, दुनिया में चल ना पाऊंगा, पर मैंने अपनी गोटी फिट की। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर चेहरे से काला है, रंग काला है तो कोई दिक्कत नहीं। जीवन जीने का ढंग, सूरत भगवान ने कैसी विधि, चिंता मत करो, अपनी सीरत को महान बनाओ और दुनिया में महान बन जाओ। विराजिए प्रभु जी, ठीक है ना। जो लोग गोरे हैं ना वो दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो, ठीक है ना। मैं प्रेरणा अभी तक जो संत आए वो कहते हैं क्या आईना देखते हो, क्या चेहरा देखते हो आईने में, पर मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं, हमारी बातें थोड़ी लीक से हटकर होती है और इसलिए वो जिंदगी में सीधे उतर जाती है। तो एक काम किया करो, जो जो आप में गोरे लोग हैं वो दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो, ठीक है ना। और जब जब आईना देखो तब मन में संकल्प लिया करो कि जैसा भगवान ने मुझे सुंदर चेहरा दिया है मैं जिंदगी में काम भी उतने ही सुंदर करूंगा, ठीक है ना। जैसा भगवान ने मुझे सुंदर चेहरा दिया है मैं काम भी उतना ही सुंदर करूंगा। आपके बगल वाले भाई साहब खड़े हुए तो हां खड़े हो जाइए, घबराइए मत। ये जो गोरे वाले भाई साहब है ना, ये तो दिन में 10 बार आईना देखे, पर आप दिन में 20 बार आईना देखा करो। मेरा कहना मानो, दिन में कम से कम 20 बार आईना देखो और जब भी आईना देखो तब मन में संकल्प लिया करो, भगवान ने मुझे चेहरा सुंदर नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं काम सुंदर करूंगा और दुनिया में महान बन जाऊंगा, ठीक है ना। चेहरा अगर सुंदर न भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिंदगी में हम काम सुंदर और बेहतर करेंगे और दुनिया में महान बन जाएंगे। चेहरा किसी और ने दिया उसको मुबारक, जैसा दिया ठीक है, पर जीवन जीने का स्तर हमारा है। और हम जानते हैं एक सामान्य सा सांवड़ा चेहरा लिया इंसान भी अगर जिंदगी में कुछ बनने का जज्बा पैदा कर ले तो वो इंसान भी किसी कलाम साहब की तरह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। और गोरे रंग वाले लोग देखते रहो, हां मारी पत्नी बहुत गोरी है, मारी पत्नी बहुत गोरी है, देख देख के खुश होते रहो और जब वो गुस्सा करे तो उसे झेलते रहो। बस रंगों के आधार पर जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। जिंदगी को जब भी जीना है तो जीवन जीने के स्तर के आधार पर, आदमी के स्वभाव के आधार पर, आदमी के व्यवहार के आधार पर जिंदगी को जिया जाता है। आप में कोई कंवारा लड़का है क्या? देखो कोई है, झट से आ जाइए उठ के, अगर कोई कंवारा हो तो। कोई है कंवारा? देखिए आपके पास में कोई कंवारा बैठा, विलंब मत कीजिए। आपके पास में कोई है कंवारा तो उसको खड़ा कर दो।